महाराष्ट्र में दूसरी तरफ तो एकदम क्लीन स्वीप होती दिख रही है यहाँ पर आप दोनों की, बीजेपी शिवसेना की, नीरज सेठी जी महाराष्ट्र में बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपको बताया अभी आंकड़े और ऊपर जा चुके हैं हम लोग के, और जिस हिसाब से आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये दोनों गठबंधन जो 190 प्लस का जो एस्टिमेट था उसमें ऊपर जाएगी। ठीक है आंकड़े देखिए, एग्जिट पोल में 230-240 भी दिखा रहा था बीजेपी और शिवसेना के जो महाराष्ट्र में, वो शायद स्थिति नहीं बने जैसा कि ऐसा लग रहा है। नहीं कहीं 130 भी दिखा रहा था वो, लेकिन उससे 190 अगर हम लोग आज सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल स्थिति है। हम मुद्दों की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही थी कि राष्ट्रवाद, विकासवाद बीजेपी और एलाइज लड़ रहा है और विपक्ष जो है वो जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहा है। लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि हरियाणा की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, जो रीजनल मुद्दे थे उसके बजाय वो नेशनल मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, जो लोकल क्षेत्रीय मुद्दे उनको अब बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है मेरे से, और ये आरोप बहुत ज्यादा लगे हमारे ऊपर कि हमने केवल नेशनल इश्यूज ही उठाए हैं। मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। देखिए मेरा मानना है कि जो मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसानों की समस्या है, तो किसानों की जो समस्या है केवल क्षेत्रीय समस्या और एक राज्य की समस्या नहीं है, अखिल भारतीय प्रॉब्लम है। रोजगार का जो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा केवल एक क्षेत्र एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, नेशनल लेवल पे है। तो भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी होने के नाते इन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रख के हल करने का कोशिश कर रही है, नंबर वन। और दूसरा मूल मुद्दों को छोड़कर LOC 370 बालाकोट की बात ज्यादा कर, दूसरा मैं करना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा या महाराष्ट्र के संकल्प पत्र को देखिए और उसमें पढ़िए हमने किन मुद्दों की चर्चा की है। तो उसमें 90% जो मुद्दे हैं वो राज्य के मुद्दे हैं। तो हमने 90% घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में राज्य के मुद्दे उठाए हैं, हमने बोला भी है। तो फिर आरोप क्यों लग रहा है? आरोप इसलिए लग रहा है कि मोदी जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो राष्ट्र के लिए बेहतरीन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम किया है उसमें जनता में वाह वाह है, और उसे विपक्ष डरा हुआ है। तो विपक्ष ये चाहता नहीं है कि आम जनता तक उन बातों को ले जाया जाए। और हम ये मानते हैं कि चाहे प्रदेश की जनता हो, गांव की जनता हो, जिले की हो या राष्ट्र की जनता हो, हर जनता राष्ट्र से जुड़ी हुई है। और यदि हमने केंद्र के लेवल पे कोई अच्छा काम किया है या प्रदेश के लेवल पे अच्छा काम किया है, जनता हमारी मालिक है। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमें सारी बातों को उसको बताना चाहिए और उसके बातों को हम बता रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये पुलवामा में अटैक हुआ, 40 के आसपास CRPF के जवान मारे गए। उस समय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट नहीं थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और महीने भर के अंदर अंदर, दो सप्ताह के अंदर अंदर भारत ने जवाब दिया और उनके 150-200 के आसपास बालाकोट में उनके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। तो ये ऐसा कदम हुआ जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, देश का एक स्टैंड कायम हुआ, और ये हमारे लिए बड़े शौर्य और गर्व का कदम था देश के लिए। तो जो अच्छी चीज़ें हैं जो हम देश के लिए कर रहे हैं, और डे वन से हमारे संगठन का कहना है कि मां भारती के सुरक्षा के साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, तो इसको हम जनता में ले जा रहे हैं राष्ट्रीय गौरव को, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको तो इसमें हमारा साथ देना चाहिए। पीयूष का ये कहना है कि इतने बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अचीवमेंट जो हुए उससे विपक्ष बैकफुट पर है, वो चाहता नहीं है कि हम इसका बखान करें या जनता तक इसे ले जाए। नहीं देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और चाहे वो राष्ट्रवाद का हो जो भी हो, उसके आधार पे तो लोकसभा में कैंपेनिंग हुई और लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन राज्य के चुनाव अलग होते हैं। 370 तो उसके बाद हुआ ना, 370 हाँ उसके बाद हुआ, लेकिन वो तो लोकसभा का चुनाव जब अगला होगा तो आप करिएगा उसमें, लेकिन राज्य के मुद्दे दूसरे होते हैं। और ये होता भी, जनता ने देखिए पिछली बार भी इनको ये सबक सिखाया, राजस्थान में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वहाँ देखिए हर राज्य के मुद्दे होते हैं और आज भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज, ट्रेंड भी 370, मेरा खुद का यार मानना है कि 370 पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, क्योंकि 370 हटने से देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जा सकता है, रह सकता है। आपको पता है हरियाणा में 10-12% के आसपास कोई सेटल होना चाहे, व्यापार करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। ये सब एक उठाया गया, देखिए 370 पहले भी डायलॉग हो चुका था। कितनी शर्मनाक बात है कि आप अपने ही देश के लोग जा सकते थे, वहाँ पे भी लोग जा सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, वहाँ भी कोई महिला जिसकी दूसरे जगह शादी होती है, तो अपना टूरिज्म की बात नहीं,
की बात करते हैं, मेरे से भुक्तभोगी कोई नहीं है, मेरे इन-लॉज, मेरी बीवी खुद जो है वो कश्मीर से बिलोंग करती है। उन लोगों का दर्द पूछिए, उन लोगों से दर्द पूछिए जब 1990 में वो लोग छोड़ के आए। आज जब बालकोट में मारे हम लोगों ने तो ये लोग बोलते हैं उन मुसलमानों को देखो कैसे क्या किया, लेकिन उस टाइम भूल गए जब हिंदू निकल के आए थे वहां से, तब क्यों नहीं उनके यहाँ जाके किसने उनका दर्द पूछा था? क्यों नहीं उन लोगों को वहां पर पूछा गया कि हाँ तुम लोगों को क्या दर्द है, क्या दुख है? आज भी पंडित यहाँ धक्के खा रहे हैं, आज भी इतने बूढ़े बुजुर्ग जो इधर अपना व्यापार छोड़ के जो इधर बैठे हैं सारे कश्मीरी, उन कश्मीरियों को पूछने वाला आज कोई नहीं है। आज जब 370 हटाई गई तो आज विरोधी पार्टियों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं किसी पार्टी के विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ विरोधी पार्टियों को बहुत तकलीफ है, लेकिन हाँ हम लोग खुश हैं 370 हटी है, आज हम लगता है खुद को आजादी लगती है, आज जाएंगे उधर घूमेंगे फिरेंगे अपनी प्रॉपर्टी, हम लोग को उम्मीद है कि हाँ हमें हमें हमारे प्रॉपर्टी मिलेगी हमें हमारी या कुछ तो होगा। एक मिनट में बीच में बोलना चाहूंगा, नरसिम्हा राव जी के लीडरशिप में इस देश के पार्लियामेंट ने एक संकल्प पारित किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया, सारे विपक्ष ने दिया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का एकात्म भाग है, अभिन्न अभिन्न भाग है। ये कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस लीड गवर्नमेंट के समय में उसके पल से पास किया हुआ संसद के अंदर प्रस्ताव है। अच्छा बात है, हमने सपोर्ट किया था। उस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के अंदर खड़ा होकर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर विवादित मुद्दा है, यूएनओ में लंबित है, ये हमारा इंटीग्रेटेड कैसा हो सकता है, इसके बारे में यूएनओ फैसला लेगा। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? आप अपने ही देश के एक टुकड़े को विवादित बता रहे हैं। हजारों वर्षों से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, चाहे योग हो, व्याकरण हो या तंत्र हो, दर्शन हो, कितनी सारी चीज़ों में योगदान है जम्मू कश्मीर का। शंकराचार्य से लेके और पुराने जितने ऋषि मुनि रहे हैं सबका कितना वहाँ पे प्रगाढ़ से संबंध रहा है, हमारे देश का कितना पुराना उसके साथ नाता रहा है, और कभी भी जम्मू कश्मीर को विदेश नहीं समझा जाता रहा है। चलिए मुझे तो अपने अभिन्न अंग को आप विदेश कहते हैं, विवादित कहते हैं, क्या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी को शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए? मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन उससे पहले यहाँ उलट फेर होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की अगर बात करें, 90 में से 86 सीटों के रुझान में 38 पे बीजेपी आ गई है, 29 पर कांग्रेस है, और जेजेपी सरप्राइज फैक्टर 12 पर लीड करती हुई दिख रही है, अदर्स 2 पे खिसक गए हैं। हरियाणा में बड़ा उलट फेर होता हुआ रुझानों के मुताबिक दिखाई दे रहा है, 38 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस, जेजेपी 12 पर। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी क्लोज फाइट है, हालांकि बीजेपी शिवसेना अभी भी कंफर्टेबल है, बीजेपी 89 पर आ गए, शिवसेना 46 पर, कांग्रेस 39 पर, और एनसीपी लगातार बढ़त दिखाती, शिवसेना एनसीपी लगभग लगभग नेक टू नेक है 46 पर। इस पर रिएक्शन लूंगी हमारे पैनल के, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान लगातार आप देखेंगे जनतंत्र टीवी पर, एक छोटा सा ब्रेक।